तो आ गए आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देखे, होपफुली आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, लेकिन रेस्ट करने का टाइम नहीं है भाई, सॉरी टू से, क्योंकि आज है 21st और 23rd को आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है। मतलब आज का आपका हाफ दिन बचा है और 22nd, मतलब 1.5 डे है, 2 दिन भी मैंने गलत लिखा है भाई, 1.5 डे है। तो इस 1.5 डे को किस तरह हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि वो हेल्पफुल हो हमारे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए, बिकॉज इसके बाद भी देखो 23, 24, 25 छुट्टी है, लेकिन 26 को आपका हिस्ट्री है, 27 इज ऑफ, 28 को आपका ज्योग्राफी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अब देखिए ये 1.5 डे को हमें बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा फ्रेश हो जाओ आप लोग, नहा धो लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। मेरा मानना है कि 21st 4 बजे से आप बैठ जाओ पढ़ने, ज्यादा देर मत करो और शाम मत करना। आई नो मैं बोल रहा हूं बहुत जल्दी बैठ जाओ, या फिर आप बोलोगे सर रेस्ट का टाइम भी मिला नहीं, भैया अभी टाइम नहीं है रेस्ट का, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं आईसीएसई वो भी, ठीक है। 4 बजे बैठ जाओ, 4 PM पहला सिटिंग लो, 4 to 6 क्या पढ़ोगे मैं बता रहा हूं, उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक लो, चलो 1 घंटा मान लिया, ठीक है। फिर 7 PM to 9 PM फिर 2 घंटे का एक सेशन बना, 1 घंटे गैप लो, 10 PM to 12 midnight कम से कम ये 3 सेशन तो आपको बैठना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। Am I clear? अब इन 3 सेशन में आप देखो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 2.5 hour, 2.5 hour, 2.5 hour आपके ऊपर है, ये 6 घंटा मैंने लिया। अब देखो यहां पे आप 1 hour स्प्लिट करोगे, जो पहला है उसको आप ज्योग्राफी को डेडिकेट करो। अब बोलोगे क्यों सर, सुनो भैया ठहरो, ज्योग्राफी में देखो आपका वैसे ही बहुत कम टाइम है, 26-27 सिर्फ गैप है, ठीक है, सेम इंग्लिश टीचर की तरह। तो 1 घंटा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप मैप देख सकते हो, टोपो देख सकते हो, कुछ चैप्टर्स देख लो, 2 से 3 चैप्टर देख लो, ठीक है। मैप देखने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, 15 मिनट, टोपो देख लो, आधा घंटा चैप्टर्स देख लो, ठीक है, 1 घंटा आप दो ज्योग्राफी दो, फिर 1 घंटा जो बचा है अब आ जाओ इंग्लिश लिटरेचर को। इंग्लिश लिटरेचर में मेरा मानना है आप कोई भी एक ले लो कि भैया मुझे MOV पढ़ना है, या स्टोरीज पढ़ना है, या मुझे पोएम पढ़ना है। आप मान लो कि आपने पोएम चुना, तो इस 1 घंटा में कम से कम 2 poems देख लो। और मैंने आपको पहले बता दिया है पोएम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस बार द पेट्रियट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो सबसे पहले देखो, बिकॉज कुछ सालों से ये नहीं आया है। 9 gold medal और अबू बेनादेव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पोएम देख लो और एक और पोएम देख लो, 1 घंटे में 2 ही पोएम देखो, आराम से देखो, गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम, द मीनिंग। आपके स्कूल में अगर कुछ नोट्स मिला है, क्वेश्चन आंसर्स मिला है, गो थ्रू इट। आई टोल्ड यू डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर लो, वहां से गो थ्रू इट। नेक्स्ट हो गया, अब 7 to 9 यहां भी मेरा मानना है कि आप 2 स्लॉट बना हो सके तो, यू नो, 1 घंटा मैं फिर से ज्योग्राफी को दे रहा हूं। आप बोलोगे सर ज्योग्राफी के पीछे आप पड़ गए, भैया यहां ज्योग्राफी में बहुत सिलेबस है, टाइम नहीं आपके पास, समझ लो। हिस्ट्री में तब भी देखो 24-25 है आपके पास, 2.5 days, बट यहां 1.5 डे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगेन 2 to 3 chapters गो थ्रू इट, यू नो। अब 1 घंटा आप ले लो, स्टोरीज ले लो, स्टोरीज ले लो, 2 स्टोरी पढ़ो, ठीक है,
एक हो रहा है तो एक पढ़ो अच्छे से। और मैंने पहले बोल दिया द ब्लू बीड इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से नहीं आया है लेकिन तो इस बार आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है। उसके बाद माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एंड द लिटिल मैजिकल, ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो दो स्टोरीज पढ़ लो, दो पोयम पढ़ लो, दो स्टोरी पढ़ लो। उसके बाद 10 से 12 भैया पूरा एमओवी देखो। एमओवी में मैंने आप बोल दिया है एक्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्ट 5 मैंने बोला है एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2, ये मैंने बोला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक्ट 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी सबको रूल कर दे रहा हूं, कुछ भी आ सकता है, आईसीसी फिर से रिपीट भी कर सकता है, जो स्पेसिमेन पेपर में सीन आया है, जो एक्ट आया वो भी आ सकता है, मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो एक्ट 5, एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2, और एक्ट 5 कर लेना भाई। सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी कहीं से भी दे सकता है, बट अगर मैं बोलूं तो आपका ट्रायल सीन देख लेना और रिंग एपिसोड, ये दोनों बढ़िया से देख लेना। आज के लिए मैं यही बोल रहा हूं। एमओवी बहुत बड़ा, इसे मैंने 2 घंटे का स्लॉट दिया, यानी कि कुल टोटल आपको भैया 2 पोयम 2 स्टोरी, एमओवी का कोई भी एक्ट लेके रगड़ डालो, ये दोनों सीन हो सके तो देख लो जहां पे है। अब आई क्लियर, ये तो हो गया आपका आज का 21st। अब हमारे 22nd को, 22nd अगेन, 22nd भैया हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिटरेचर पढ़ना है। 22nd ओनली लिटरेचर, मैंने बोला कुछ और पढ़ो, ओनली लिटरेचर, ठीक है। अब आप चांस नहीं ले सकते हो। 22nd को अगेन आप 4 ये दिन को, पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, सुबह उठ जाओ 8 बजे, मैं लेटेस्ट बोल रहा हूँ 8, 3 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, फिर 12 से 3, फिर 4 से 7, फिर 8 से, चलो 12 मान लिया, अलग एक हो रहा था बट 12 ही मान लिया। अब भैया यहाँ पे एक अच्छे से पकड़ लो स्टोरी, मुझे सब स्टोरी को देखना, अच्छे से पकड़ लो पोयम, मुझे सब कुछ देखना है, पकड़ लो मर्चेंट ऑफ वेनिस, मुझे सब देखना है। और आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन मुझे सपोज मर्चेंट ऑफ वेनिस से करना है, तो यहाँ पे आप जोड़ लो थोड़ा सा, आधा घंटा यहाँ पे आप जोड़ लो ज्यादा। आपको लगता है आपको स्टोरी से 2 करना है, उसी हिसाब से आप स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा पढ़ लो, स्टोरी को यहाँ पे पढ़ लो 8 से 12, गो थ्रू द क्वेश्चंस एक बार, स्पेसिमेन पेपर जरूर देख लेना, ठीक है। तो या इस तरह आप अपने शेड्यूल बना सकते हो। मैं पहले बोल रहा हूं, अगर आपका शेड्यूल बना हुआ है तो उसी शेड्यूल को फॉलो करो, देयर इज नो नीड टू फॉलो दिस शेड्यूल। अगर नहीं बनाया हो तो ऐसा करो आप, हमारे क्लियर। चलो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। चलो अच्छा, एक चीज याद है ना, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भैया आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसके आसपास थोड़ा भी आंसर आ तो उसको बढ़ा चढ़ा के लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं मिलेंगे, सॉरी नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट लिखना है भैया, सही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, सही लिखना है, बड़ा लंबा चौड़ा करके आंसर कोई फायदा नहीं है। टीचर्स आई हैव अर्लियर टोल्ड यू वेरी स्मार्ट, दे एज सुन एज दे रीड द आंसर दे नो दैट यू डोंट नो द आंसर, वंस दे नो दैट यू डोंट नो द आंसर क्या काम से। राइट समथिंग सब्सटैंशियल जो आंसर से रिलेटेबल हो, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई पॉइंट पता है तो जो रिलेटेबल हो आंसर से वही लिखिएगा आप, आंसर टू द पॉइंट, ठीक है। और कीवर्ड्स को तो मैं हमेशा ही बोलता हूं अंडरलाइन करना बेटर होता है, टीचर्स देखते हैं भैया कीवर्ड्स प्रेजेंट है तो मार्क्स दे देते हैं ज्यादातर। और ऑफ लेट मैंने देखा है कि
लिटरेचर में 100 में 100 मिलता है बच्चों को। तो आप भी अगर सही से टेक्स्ट पढ़ के जाओगे, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो पूरे नंबर मिलेंगे। स्ट्रैटेजी बना लो किस तरह तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।